हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टेप क्लियर कंसेप्ट। आज की जॉब की अपडेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्वायरमेंट निकली हुई है। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, यहाँ आपको डेली जॉब के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। पोस्ट नेम की बात करें तो स्पेशल कैडर ऑफिसर के लिए डिप्टी मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर सिविल असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट मैनेजर, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन सर्कल, डिफेंस एंड बैंकिंग एडवाइजर के लिए रिक्वायरमेंट निकली हुई है। टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ तो टोटल 69 पोस्ट अवेलेबल है। अप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 13 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 2 सितंबर 2021 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। कैटेगरी की बात करें तो ये बैंक की जॉब से। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यहाँ तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका फॉर असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल एंड असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए आपको रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के बिना पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। फॉर रिमेनिंग पोस्ट के लिए आपको शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यू के बिना पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर के लिए ही सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्वायरमेंट है, बाकी सब आपके लिए परमानेंट जॉब रहने वाली है। ऑफिशियल साइट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ से जाकर भी अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिटेल वाइज वैकेंसी की बात करें यहाँ तो डिटेल वाइज वैकेंसी में डिप्टी मैनेजर के लिए 10 वैकेंसी है, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 6 वैकेंसी है, प्रोडक्ट मैनेजर के लिए 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल के लिए 36 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 10 वैकेंसी अवेलेबल है, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए 4 वैकेंसी है एंड सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर के लिए 1 वैकेंसी अवेलेबल है। टोटल यहाँ 69 पोस्ट अवेलेबल है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर उस फॉर्म को फिलअप करें। अप्लीकेशन का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ से जाकर भी अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्टी मैनेजर के लिए MBA, PGDM, PG डिप्लोमा, PG से आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर का ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। टोटल पोस्ट के लिए यहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फ्रेशर कैंडिडेट वीडियो को स्किप कर सकते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए BE, BTech अलॉन्ग विथ MBA, PGDM मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर के लिए BE, BTech अलॉन्ग विथ MBA, PGDM मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल की बात करें तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए या फिर आप मास्टर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए फुल टाइम MBA मार्केटिंग एंड फुल टाइम PGDM मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर के लिए द एप्लीकेंट मस्ट बी रिटायर मेजर जनरल ऑफ ब्रिगेडियर फ्रॉम इंडियन आर्मी और फ्रॉम कंपेरेबल रैंक फ्रॉम द इंडियन नेवी और एयर फोर्सेस। एज लिमिट की बात करें यहाँ तो एज लिमिट सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर के लिए मैक्सिमम है 60 ईयर है। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए मैक्सिमम है 30 ईयर है। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल एंड असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए मिनिमम एज 21 ईयर है एंड मैक्सिमम 30 ईयर है। डिप्टी मैनेजर के लिए रिलेशनशिप मैनेजर एंड प्रोडक्ट मैनेजर के लिए मिनिमम एज 25 ईयर है एंड मैक्सिमम एज 35 ईयर रहने वाली है। डिटेल वाइज सैलरी की बात करें यहाँ तो डिप्टी मैनेजर के लिए 48,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। रिलेशनशिप मैनेजर एंड प्रोडक्ट मैनेजर के लिए 63,840 रुपये रहने वाली है। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए आपको सेम सैलरी प्रोवाइड हो रही है। 36,000 रुपये यहाँ स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल रही है, प्लस DA, HRA, CCFA ये आपको अलाउंसेस भी प्रोवाइड होने वाले हैं। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए आपको 36,000 रुपये सैलरी प्रोवाइड हो रही है एंड सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइज़र के लिए आपको 19.50 लाख पर एनम आपको यहाँ पैकेज मिल रहा है। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें यहाँ तो टोटल पोस्ट के लिए डिप्टी मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए टोटल पोस्ट के लिए आपको 750 रुपीज़ यहाँ पे करना है। जनरल OBC के लिए एंड EWS कैंडिडेट के लिए, SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए आपको कोई भी फीस भरने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यहाँ तो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल एंड असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए आपको रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के बिना पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। फॉर रिमेनिंग पोस्ट के लिए आपको शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यू के बिना पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड टेंटिवली ऑन 25 सितंबर 2021। आपका जो भी रिटर्न टेस्ट होने वाला है वो 25 सितंबर 2021 को लिया जाने वाला है। जॉब लोकेशन की बात करें या प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो डिप्टी मैनेजर के लिए आपको कॉर्पोरेट सेंटर ऑफ एनी अदर प्लेस है डिसाइडेड बाय द बैंक में रहने वाला है। रिलेशनशिप मैनेजर एंड प्रोडक्ट मैनेजर के लिए मुंबई और एनी अदर प्लेसेज एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल एंड असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपको एनी वेयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर आपको कहीं भी जॉब लोकेशन प्रोवाइड हो सकता है।
असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए आपको मुंबई रहने वाला है एंड सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइज़र के लिए आपको हैदराबाद रहने वाला है। जॉब लोकेशन। वीडियो अगर आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आपके एक शेयर की वजह से यह नोटिफिकेशन किसी के काम आ सकती है।